एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रिया, न्यू वॉचिंग प्रिया प्रीति आर्ट्स। और आज मैं आपको एक अपना स्केच दिखाऊंगी जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे इसे बनाने से सास लगी थी। और मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सब बताते जाऊँगी कि मैंने क्या क्या यूज़ किया था और क्या नहीं, और मैंने क्यों यूज़ किया था। सो, ये है स्केच। मैंने A1 साइज़ को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर ली थी एंड उसके बाद मैंने इसमें ग्रेफाइट पाउडर और चारकोल पाउडर के थ्रू मैंने इसमें जितनी भी शेडिंग्स हैं और जितने भी बैकग्राउंड है वो सारी मैंने उसे से ब्लैक की है। तो चलिए अब इसे देखते हैं। मैंने यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर को कट कर लिया है और मुझे स्क्वायर साइज का पेपर चाहिए, तो इसलिए मैं इसे स्केल से मेजर करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर ले रही हूँ एंड देन मैं इस पर अपना स्केचिंग कंप्लीट करूँगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर मास्किंग टेप के बारे में। तो मास्किंग टेप मार्केट में काफ़ी इजीली से अवेलेबल है और इसे पेंटिंग टेप भी कहते हैं। और पेंटिंग टेप का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि आप इसमें से आप उस जगह पर लगाओ जहाँ पर आपको कलर या फिर पेंसिल नहीं जानी चाहिए। तो मैं और ये काफ़ी पेपर से बनी हुई रहती है और काफ़ी सेंसिटिव होती है और मैं यहाँ पर इसे बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और बॉर्डर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि क्योंकि मेरी बैकग्राउंड होगी वो पूरी डार्क ब्लैक होगी और जिसके कारण बॉर्डर वाइट में बहुत ही प्रीटी लुक आएगा इसलिए। और आप भी इसे ट्राई करें। और हाँ, मास्किंग टेप के अलावा आप कोई और टेप इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो आपके पेपर को हार्म पहुँचा सकती है। और मास्किंग टेप अप टू 50 GSM के ऊपर के ही पेपर में यूज़ करें, वरना वो आपके पेपर को अगर 250 GSM से नीचे है तो आपके पेपर को ज़रूर ही हार्म पहुँचाएगी, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। सो यहाँ पर मैं 5B की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ब्रूस्ट्रो की। मैं हमेशा डार्क एरियाज़ के लिए 5B या फिर 7B ब्रूस्ट्रो की मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी मुझे डार्क रिजल्ट देखने को मिलते हैं और प्रेशर भी अप्लाई नहीं करना पड़ता है, काफ़ी इजीली ऑफ्ट हो जाती है एंड काफ़ी स्मूथली भी। एंड अगर आप ब्लेंडिंग की बात करें तो ब्लेंडिंग के लिए पेपर स्टम का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें क्योंकि ब्लेंडिंग पेपर स्टम से करने के बाद जो पेपर में रफनेस थोड़ी सी आ जाती है। एंड अगर आप अपनी कोई भी स्मूथ सी स्किन टेक्सचर बना रहे हो तो आप वहाँ पर टिश्यू का इस्तेमाल करें, टिश्यू काफ़ी बेस्ट है स्मूथ शेडिंग के लिए। और कॉटन बड यूज़ करें छोटे छोटे एरियाज़ के लिए। एंड अगर आप कोई भी चारकोल पाउडर या फिर ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कॉटन से भी उसे ब्लेंड कर सकते हो, ये काफ़ी बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास ये सारी कोई भी चीज़ें नहीं तो आप फिंगर का यूज़ करें, फिंगर काफ़ी ज़्यादा मदद करती है ब्लेंड करने के लिए, वो भी काफ़ी अच्छे से। एंड मेक श्योर आपका हैंड काफ़ी साफ़ होना चाहिए। और मैं तो यही सब के बावजूद ही फिंगर से ही ब्लेंड करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है एंड काफ़ी मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। आप भी ट्राई करें अगर आप चाहो तो।
तो मैं यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड है वो मैं डार्क ब्लैक करने वाली हूँ, वो भी ग्रेफाइट नहीं चारकोल पाउडर के थ्रू। एंड चारकोल पाउडर मैंने घर पे बनाया है, चारकोल स्टिक जो कि सिंगल स्टिक के 20 रुपीज़ की आती है, बट अगर आप ऑफलाइन इन द मार्केट में ख़रीदोगे तो उससे कम प्राइस में मिलती है। और इसे काफ़ी ज़्यादा ही धीरे धीरे आपको करके इसे पाउडर बनाना होगा, काफ़ी टाइम लगेगा, मगर अगर फाइन आपको पाउडर बनाना है तो थोड़े से टाइम तो लगेंगे, लेकिन काफ़ी ईजी हो जाती है और काफ़ी अच्छा पेपर में आता है एज़ कंपेरिजन टू अगर आप ऑनलाइन में चारकोल पाउडर खरीदो तो उससे ज़्यादा डार्क रिजल्ट आपको होममेड वाले में मिलता है। इसलिए मैं यहाँ पे होममेड वाली चारकोल पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं इसे ब्रश से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्रश से जैसा मैंने दिखाया कि ब्रश से बिल्कुल भी जो टेक्सचर आना चाहिए वो नहीं आती है और बिल्कुल भी डार्क नहीं होता है, तो इसलिए मैं अपने फिंगर से करती हूँ ताकि थोड़ी सी प्रेशर का अप्लाई करते हुए सारे पाउडर्स को मिक्स करते हुए पूरे पेपर में अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा ही डार्क रिजल्ट हमें देखने को मिलता है।
so much for watching this video. If you like this video, then give thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel yet, then subscribe to my channel and also press to the bell icon to all and never miss any notification. So bye.